नमस्कार। पूरे देश के गुर्जर मित्रों को, गुर्जर बंधुओं को, गुर्जर बहनों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज इंजीनियर रविंद्र तंवर साहब के निर्देश पर, उनके आदेश पर, भाई हैं भाइयों में आदेश चलता है, आग्रह चलता है, मैं अपने बंधुओं के सामने लाइव आया हूं। हालांकि ये व्यस्त समय है इस समय काफी, लेकिन फिर भी मैंने अपने समाज के लिए, भाइयों बहनों के लिए अपना समय निकाला है, क्योंकि समाज पहले होता है निश्चित रूप से। इसी समाज से हमें एक पहचान मिली है। आज हमारी स्थिति क्या है, क्या हो गई है, ये हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह का वातावरण देश में है, उसमें हमें, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो युवा लोग हैं, उनको ये चिंतन करना चाहिए कि हमारा विकास, हमारी जाति का विकास, हमारे समाज का विकास आखिर कैसे हो। गुर्जर कल्चर ने इस तरह प्रयास किया है। मैं एडमिन का आभारी हूं, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है अपने समाज के बीच, अपने बंधुओं के बीच आने का। समाज में हम आजकल एक चर्चा का विषय ही रहता है कि विकास 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 बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय। तो विकास को हम किस दृष्टिकोण से लेते हैं, ये सोचने वाली बात है। विकास आखिर है क्या, विकास का मतलब क्या, सड़क बनना, खड़ंजा बनना, नाली बनना, यही विकास है? नहीं। हम अगर इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो दो शब्द हम पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हमें समझना होगा। हम, कोई व्यक्ति हमारा चार किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा बनवा दे, उसको विकास मानेंगे क्या? नहीं, ये विकास नहीं है, ये तो ग्रोथ है। तो आखिर विकास कैसे हो? आजकल हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट है, UNDP का, उसके बेसिक कंपोनेंट्स है। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं डेवलपमेंट के? डेवलपमेंट का कंपोनेंट है पर कैपिटा इनकम कितनी है, हेल्थ का स्टेटस क्या है, और एजुकेशन, ये उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। हमारे समाज का विकास निश्चित रूप से शिक्षा से ही होना है। हमने देश के लिए बड़ा संघर्ष किया, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, और ये हम देखते हैं कि आजादी के लिए संघर्ष हमने किया, बलिदान हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने लाठी गोलियां खाई, कुर्बानी दी, पेड़ों पर अंग्रेजों ने उनको लटकाकर फांसी दे दी। आजादी मिली तो हमको क्या मिला, ये सोचने वाला विषय है। इस विषय पर हमें गंभीरता से चिंतन करना है। हमें अंग्रेजों ने CTA क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में शामिल करके क्रिमिनल ऑफेंडर के रूप में, हम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स की श्रेणी में डाला। वो उसके बाद आजादी के बाद डिनोटिफाइड किया गया ट्राइब्स को, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। हम अपने समाज में, अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े सम्मेलनों में हमारे नेता जो हमारा नेतृत्व करने का दावा करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जाति की, समाज की बातें करते हैं, अच्छी लगती है और करनी भी चाहिए। हमने तो बचपन में पढ़ा है, हमने अपने स्कूलों में प्रार्थनाएं गाई हैं, जिस देश की जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। क्यों ना हो जाए, हमें होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, मैंने जो चिंतन किया है, जाति और राजनीति, ये दोनों का मुझे कहीं तालमेल दिखाई नहीं दिया। हम ये देखते हैं कि जाति वो सामाजिक आर्थिक संरचना का, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक संरचना में वो अभी, हम भले ही जाति राजनीति को देखते हो, लेकिन जाति संरचना का
जो है राजनीतिक संरचना की जाति हिस्सा नहीं है। हमने ये देखा कि हमारे जो बड़े बड़े जिनको हम अपना नेतृत्व तो स्वीकार करते हैं कि हमारे नेता हैं, वो लोग जाति की बात तो करते हैं, लेकिन जब जातीय हित और व्यक्तिगत हित की बात आती है तो वो व्यक्तिगत हितों को बड़ा प्राथमिकता देते हैं। क्यों? कहीं जब दो गुजर समाज के दो लोग आम जब उन जाति की बात आती है तो एक दूसरे के सामने भी चुनाव लड़ जाते हैं, वो व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना ही तो होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हमारे समाज के लोग ये जानते हुए भी कि अगला एक अच्छी पार्टी ने उसको मौका दिया है, फिर भी उसके सामने हम उसको हरवाने के लिए लड़ते हैं, ये प्रवृत्ति गलत है। जब व्यक्तिगत और पारिवारिक हित की बात आती है तो हम पारिवारिक हितों को त्याग करके उनको तिलांजलि देकर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हमारे गुर्जर समाज के बड़े लोग आमने सामने लड़े हैं, तब कहां क्या वो जाति नहीं थी? जब परिवार की बात आई तो परिवार के दो लोग आमने सामने लड़े हैं। और ऐसा भी हुआ है कि जब आपकी हमारे समाज का एक अकेला व्यक्ति लड़ रहा हो तो समाज ने उसका साथ नहीं दिया। क्या ये विरोधाभास नहीं चल सकता ना, क्योंकि राजनीति में जाति कोई फैक्टर नहीं है, वो वास्तव में स्वार्थ का विषय है। अब हमारे चिंतन का विषय ये है, चिंतन का विषय क्या है? चिंतन का विषय ये है कि जब जाति भी राजनीति में व्यक्तिगत हितों को साधने का एक टूल है तो हम क्या करें, हमारा विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, ये चिंतन का विषय है। और मेरा ये कहना है कि जातियों से लोग देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, जातियों से लोग देश का राष्ट्रपति नहीं बनते हैं। जाति एक फैक्टर हो सकती है, राजनीति का फैक्टर हो सकती है, चुनाव में एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन जातियों से प्रधानमंत्री नहीं बनते, देश का नेतृत्व नहीं करती हैं जातियां। इस देश में मैं सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, इस देश में कितने नेहरू थे, कितने गांधी, कितने देसाई, मोरारजी देसाई, कितने एसडी देवगौड़ा, कितने गुजराल, कितने वाजपेयी, कितने मोदी इस देश में हैं जो वो प्रधानमंत्री बनते हैं? नहीं, वो अपनी योग्यता के बल पर वहां तक पहुंचे हैं। उनको जाति उन्होंने ही वहां बैठाया, उनको सर्व समाज ने, सारे राष्ट्र ने वहां पर बैठाया है। तो क्या हम क्यों फिर जातिगान करते हैं? क्यों हमारा आदमी, क्यों हमारा व्यक्ति वो किसी नेता के स्वार्थों को नहीं समझ पाता? हमें बनना है वोटर, मेरा मानना है कि हमें वोटर बनना है, मतदाता बनना है। आप मतदाता की जाति नहीं होती है, मतदाता तो मतदाता होता है। कहीं किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में कोई जाति ये तय नहीं करेगी कौन विधायक होगा, कौन मंत्री होगा, कौन एमएलए होगा, वहां तय करता है मतदाता। हम लोकतंत्र का हिस्सा है, हमें लोकतंत्र में रहना है। तो इसलिए हमारा चिंतन होना चाहिए कि हमारे जाति में, हमारे समाज में कुरीतियां कैसे दूर हों, कैसे हमारे बच्चे आईएएस पीसीएस बन जाएं, कैसे हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, दुनिया में अपना नाम कमाएं, कैसे हमारे समाज का विकास हो, ये विषय चिंतन का है। और मैं समझता हूं कि जितने हमारे जातीय संगठन हैं, जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हम समाज में एजुकेशन को बढ़ाएं, कैसे हमारी बेटियां आसमान को छुएं, कैसे हमारे बच्चे इस देश की ब्यूरोक्रेसी में अपना हिस्सा बनाएं। हम सरदार पटेल जी की बात करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि सरदार पटेल जिस देश के प्रधानमंत्री होते हैं होते, लेकिन उनको बनने नहीं दिया गया। सरदार पटेल से हम, आदरणीय सरदार पटेल से हम प्रेरणा लेकर राजनीति में जाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस पटेल साहब की हम बात करते हैं, जिन्होंने देश की 560 से अधिक जातियों का एकीकरण किया, तो क्या उनका जो सामाजिक एकीकरण का कार्य पीछे छूट गया, उसको हम नहीं कर सकते? हमें समस्त जातियों का, हिंदू समाज के अंदर समस्त जातियों का एकीकरण करना होगा, और ये काम सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज कर सकता है, मेरा समाज कर सकते हैं, मुझे इस बात पर गर्व है। हमें सरदार पटेल के उस अधूरे कार्य को पूरा करना है जो सामाजिक एकीकरण का बचा है। क्या आप तैयार हैं? हमारे मित्र कई सारे कहते हैं कि वो हिंदूवाद को प्रयोग करके जो है राजनीति में, आप भी करिए, आपको किसने रोका है? आप सर्व समाज की बात करिए, आप राजनीति में आइए,
राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं यहां सामाजिक रूप से तो उसका चिंतन कर सकता हूं। हमें सर्वव्यापकता अपनी करनी होगी। हमारे कई जगह ऐसे हमारे बच्चे ऐसी गड़बड़ियां कर देते कि हमारे समाज की इमेज खराब होती है। निश्चित रूप से इस पर चिंतन करने की जरूरत है। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी होगी कि जिस सरदार पटेल ने देश की ब्यूरोक्रेसी को स्थापित किया, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज को जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रूप में उस पुनर्गठित किया, हम क्यों उसकी तरफ नहीं जाते? क्यों हमारे बच्चे आईएएस की पीसीएस की तैयारी नहीं करते हैं? क्यों वो हमेशा सरल रास्तों को अपनाना चाहते हैं? क्यों वो हमेशा कुर्ता पहनकर नेता ही बन जाना चाहते हैं? क्यों हमारे समाज में लोगों की सर्व स्वीकार्यता समाप्त होती जा रही है? कोई किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका चिंतन हमारे नेतृत्व को भी करना होगा। हमें अपने धन में, अपने खजाने में आर्थिक मूल्यों से ज्यादा नैतिक सामाजिक मूल्यों का संग्रह करना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं अपने भाई गुर्जर कल्चर के एडमिन हैं इंजीनियर रविंद्र तंवर, उनको इस बात का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ये गुर्जर संस्कृति पेज को इतना प्रसारित किया है कि 1,15,000 से ज्यादा मेरे समाज के लोग इस पर हैं। तो ये सोशल मीडिया आजकल सामाजिक सरोकारों पर चिंतन करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सबसे बड़ा हथियार अगर आज कोई है तो वो सोशल मीडिया का है। इसका हमें प्रयोग आना चाहिए। आज मोदी जी की, आदरणीय मोदी जी की पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये ऐसा मीडिया है जिसका जिस पर आप अपनी बात को कह सकते हैं। प्रिंट मीडिया में आपको स्पेस नहीं मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि मेरे समाज के लोग पत्रकार कम है, गुर्जर तो पत्रकारिता में है ही नहीं। अरे ना है तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ये बढ़िया फ्रंट है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अभिप्राय यही है कि हमारे समाज के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को ये चिंतन करना होगा है। जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करे, जिसका टिकट होता है वो उसका टिकट हो। ये हमारा विषय नहीं है कि किसको टिकट हुआ किसको नहीं टिकट हुआ। पार्टियां निर्धारित करती हैं, हर पार्टी का अपना एक इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। उनका एक संसदीय कमेटी होती है जो उनके टिकटों का वितरण करती है। उसमें कोई भी फैक्टर हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो मेरा कार्य नहीं है। जो लाते हैं, राजनीति में आते हैं, उनका गुण दोष के आधार पर समर्थन कीजिए आप। चार लोग लड़ रहे हैं, चार लोग समाज की एक ही सीट पर लड़ रहे हैं, तो ये तो तय आपको करना है कि गुण दोष में सबसे अच्छा कौन है। ये शराब तय नहीं करेगी, ये व्यक्तिगत हित तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा उनका कैलिबर। हम अपना नेतृत्व तो किसको सौंपना चाहते हैं, किसको सौंपना चाहते हैं? जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है, जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास समाज के लिए त्याग करने की क्षमता नहीं है, उनको सौंपना चाहते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सामाजिक एकीकरण के लिए मेरी विचारधारा कुछ भी हो, ये व्यक्तिगत मामला है, मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना इस संबंध में, कम से कम इस संबंध में, सामाजिक सरोकारों के संबंध में उनको मैं अपना हीरो मानता हूं। वो कभी नहीं डरे कि कोई गली मोहल्ले का नेता, कोई नेता उनका अस्तित्व खत्म कर देगा। कोई मंत्री और बन गया, कोई विधायक और बन गया, कोई एमएलए और बन गया तो उनका अस्तित्व को समाप्त कर देगा? नहीं, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी में योग्यता थी, तो योग्यता के बल पर उन्होंने एक मुकाम को हासिल किया, एक मुकाम को उन्होंने छुआ। हमारे हमारा नेतृत्व क्यों डरता है? हमारा नेतृत्व गली मोहल्ले के नेताओं से डरने लगता है, उसको ये डर सताने लगता है कि कहीं ये कल नेता बन गया, ये सभासद बन गया, जिला पंचायत का सदस्य बन गया तो मेरे अस्तित्व को समाप्त कर देगा। ये उनकी, हमारे नेतृत्व की अयोग्यता का द्योतक है। क्यों न हमें, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, संख्या बल से राजनीति होती है। आपका, हमारे समाज का अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने समाज का अकेला एमपी रहूं, मैं अकेला विधायक रहूं, अकेला मैं मंत्री रहूं, तो क्या ये संभव है? कोई नहीं पूछेगा उसको। अगर संख्या बल नहीं है, आपके 25-50 एमएलए एमपी नहीं है, तो राजनीति में भी कोई नहीं पूछेगा आपको।
ये तो सामाजिक समीकरणों से जुड़ी हुई चीजें। लोकतंत्र ये नंबर ऑफ गेम्स है। अगर आपके प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि ज्यादा संख्या में नहीं आए गए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके विधायक ही चार बनेंगे, आपके एमपी ही चार बनेंगे। दिस इज नॉट, ये बहुत, खैर ये विषय गहरा है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। क्यों हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं भाई? गुर्जर कल्चर से हमारे भाई ने लिखा है, बिल्कुल सर, आज हमें समाज को एक सही दिशा में ले जाना है। निश्चित रूप से समाज को सही दिशा देनी है। और ये दिशा देगा कौन? ये दिशा देगा आपके जैसा, हमारे जैसा कोई युवा। हम क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में लगते हैं भाई? क्यों हम एक दूसरे को नहीं बढ़ाते हैं? मेरी कई मित्रों से, कई जो हमारे मित्र हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उनसे मेरी चर्चा होती है। क्यों आप अपने समर्थक को ये चाहते हैं कि तू आपका बंधुआ बन के रहे? क्यों आप ये चाहते हैं कि वो राजनीतिक दुश्मनी पाल ले दूसरे लोगों से जो आपके साथ नहीं है? देशराज गुर्जर जी ने सही कहा है कि एमएलए एमपी होने से क्या होता है, सब अपनी अपनी पार्टी के होते हैं। अनुज गुर्जर कह रहे हैं बिल्कुल, समाज को सही रास्ते पे लाना है। ये रास्ते पे, सही रास्ते पे हम कैसे लाएंगे? अनुज गुर्जर फिर कहते हैं कि कुछ लोग टांग खींचते हैं। निश्चित रूप से, मैं ये मेरा यही चिंतन का विषय है, तो क्यों टांग खींचते हैं भाई? अरे भाई, मंत्री मल्ले एमपी, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करिए आप। हमें डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का अंग है और हम लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन लोकतंत्र का ह्रास, लोकतंत्र का घटाव हमें स्वीकार्य नहीं है। इस लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र की प्रणाली के माध्यम से, सर्व समाज के माध्यम से, जातियों से बाहर, जातियों से राजनीतिक रूप से कम राजनीतिक रूप से जाति से ऊपर उठकर जो है निर्णय लेने का समय है। आप सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तौर पर, हम एक निश्चित रूप से, मैं गर्व से मैं कहता हूं कि मैं गुर्जर हूं, गुर्जर समाज में मैंने हिस्सा जन्म लिया है, लेकिन मैं चिंतन करता हूं अपने समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का। राजनीतिक विकास यहां से नहीं होगा। राजनीतिक विकास की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, वो हम तय नहीं करेंगे, तो मतदान तय करेगा। गुर्जर कल्चर ने लिखा है, हमें बहुत उम्मीद थी समाज के नेताओं से कि जो फेक एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच कराई जाए। निश्चित रूप से, मैंने लिखा है सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हुआ, मैंने तथ्यात्मक रूप से उस पर लिखा, अवगत कराया। अब ये तो राजनीतिक लोगों का काम है कि भाई, मैं एक लेखक, एक चिंतक होने के नाते अपनी बात रख सकता हूं, जो हम कर सकते हैं उतना हम करें। मैंने लिखा राजनीतिक चिंतन, जो जो मेरा सामाजिक आर्थिक चिंतन था, उस दृष्टि में, उस सीमाओं में, उन सीमाओं के में रहते हुए मैंने लिखा। और जिस दिन सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही मैंने लिखा था। लेकिन क्या हम अपनी बातों को उचित तरीके से, उचित मंच पर रख पाए? इसमें किसका दोष है कि न्याय में देर भी हो रही है, जांच भी नहीं हो रही? हम ये नहीं कहते सुमित गुर्जर अगर बदमाश था, अगर चोर था, लुटेरा था, आतंकी था, तो उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर नहीं है, लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। लेकिन किसी भी निर्दोष को, किसी भी शासन को, किसी भी सत्ता को, किसी भी पुलिस को, किसी भी सिस्टम को, एक निर्दोष की जान लेने का कोई हक नहीं है, कोई नहीं देता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, जंगल राज नहीं है यहां पर। मोहित चौधरी कहते हैं गुर्जर समाज को एक होना चाहिए। सौरव गुर्जर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता, अतुल प्रधान ने पूरा साथ दिया बट कुछ बिरादरी के लोगों ने उन्हें गलत बताया। अनुज गुर्जर ने फिर कहा है, तो मेरा कहने का विषय ये है कि हम चिंतन करें, और जिस समाज ने चिंतन करना बंद कर दिया, उस समाज समाप्त हो गया। हमने गाना सुना है, अल्लामा इकबाल का है, हालांकि उस पर चर्चा अलग से कर सकते हैं हम। उन्होंने एक बात तो कही है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से। यूनान मिस्र रोमा कैसे मिट गए? क्योंकि उन्होंने चिंतन बंद कर दिया। देशराज गुर्जर सहमति जता रहे हैं, आपका धन्यवाद देशराज भाई।
हमको चिंतन करना होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम समाज के प्रबुद्ध लोग एक सामाजिक संसद का निर्माण कर लें, जहां पर हम सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों पर चर्चा कर सकें? क्या हम ऐसा हो सकता कर सकते हैं कि हमारे समाज में युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था हो? समाज में प्रवक्ता नहीं है, हमारे समाज में प्रवक्ता नहीं है, हम पार्टियों के प्रवक्ता बन जाते हैं। पार्टी की अपनी राजनीति है, उनको आप करने दीजिए। आप, हमने देखा कि हमारे भाई बंधु मित्र जो अलग अलग पार्टी में, अलग अलग धारा में होते हैं, एक दूसरे दुश्मन भी पाल लेते हैं फेसबुक पर। वो बड़ी बड़ी जो है कई बार अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें भी कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से समाज में अच्छे प्रवक्ताओं की बिल्कुल आवश्यकता है। रविंद्र तंवर कह रहे हैं कि सही है, भारत दबंग समाज के युवाओं को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मेरा यही विषय, मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या हम सामाजिक संसद का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हर वर्ष हमारे समाज के प्रबुद्ध युवा, जिनसे जो वास्तव में मौलिक चिंतक हैं, वो इकट्ठे हों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बात करें। राजनीति जिसको करनी है वो करते रहिए, आप पार्टी ज्वाइन करिए, अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर चलिए, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप काम करिए, आप अपनी पार्टी में आगे बढ़िए। हमारा विषय यहाँ वो नहीं है, मेरा विषय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक है। गुर्जर कल्चर, रविंद्र तंवर कहते हैं, सर मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों को ट्रेनिंग दें ताकि अपने स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर सके सिविल सर्विस। निश्चित रूप से रविंद्र, हम सहारनपुर में ये प्रयास कर रहे हैं। अभी चुनाव का दौर है, 1 तारीख तक हम चुनाव में व्यस्त हैं, उसके बाद हमारी वार्ता हुई है। सहारनपुर के पैरामाउंट में एक हमारे मित्र हैं, उनके पास स्पेस काफी है, तो हम वहां प्रयास कर रहे हैं कि समाज के लोगों, बच्चों को सिविल सर्विसेज के बारे में हम मोटिवेट कर सकें। और निश्चित ही हम मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी, एक चैनल से हमारी बात हुई है कि उस पर हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें, उनको हम बता सकें कि सिविल सर्विसेज में वो कैसे जाएं। मुझे लगता है कि अगर हमें सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना है, सरदार पटेल को हम मानते हैं, मेरी माननीय सी के पटेल जी से भी वार्ता हुई, हमारे विभाग के उच्च अधिकारी रहे हैं, सामाजिक एकीकरण की, जिस सामाजिक एकीकरण की मैं बात कर रहा हूं, गुर्जर, कुर्मी, पटेल, लोध, ये कई सामाजिक हमारे विभाजन हैं। गुर्जर समाज के हम मूलतः एक हैं और हमें बिल्कुल एक होना चाहिएगा। हमें हमें शादियां, रिश्ते आपस में करने होंगे सामाजिक एक, जैसे जिस तरह से सामाजिक एकीकरण सैनी, कुर्मी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा का हुआ है, उस एकीकरण की प्रबल आवश्यकता है। हम सबको, पूरे समाज को एकीकरण कर देना है, ये मैं चाहता हूं कि सरदार पटेल के सपनों का भारत हम बनाएं। तो हम राजनीति को, मैं फिर बार बार यही बात कहता हूँ, राजनीति की बात समाज के बीच में मत करिए। समाज के बीच में जिस दिन हम राजनीतिक बातें करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम केवल और केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास की चर्चा अपने सभाओं में, अपनी जितनी भी जो गुर्जर संगठन है उनमें, पंचायतों में, जब हम करना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से मेरा समाज वो विकास के मार्ग पर, विकास के महामार्ग पर चल निकलेगा। सिविल सर्विसेज में आने की आवश्यकता है, ब्यूरोक्रेसी में हमारे बच्चों को आने की आवश्यकता है, क्योंकि हम संपन्न हैं, हम कर सकते हैं। और समाज, सिविल सर्विसेज बहुत आसान है मेरे विचार से, क्योंकि हमने हमने लंबा संघर्ष किया किस लिए? क्योंकि हमें कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था, हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। जिस समाज, जिस लाइन पर लोग अपराधी बन जाते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अपराधी जितनी मेहनत करता है, उससे कम मेहनत में वो सिविल सर्विसेज बन सकता है। उसमें तो जान का जोखिम होता है, यहाँ जान का जोखिम नहीं है। आपने एक बार ठान लिया तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हम सहारनपुर में ये प्रयास कर रहे हैं, अगर सहारनपुर में हमारे प्रयास को सफलता मिलेगी तो हम निश्चित रूप से इसका प्रसार करेंगे। हम कल यमुनानगर में, हरियाणा के किसी क्षेत्र में, राजस्थान के किसी क्षेत्र में एक चेन खड़ी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों को हमें लाना है। हमें कम्पिटिटिव, आप भूल जाइए सारी चीजों को, भूल जाइए और अगले 10 वर्षों तक सिविल सर्विसेज में बच्चों को लाने पर फोकस करिए। मेरा ये मत है कि निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। सिविल सर्विसेज में अगर बच्चा आईएएस नहीं बनेगा तो उसका लेवल इतना आ जाएगा कम से कम कि वो, उसको नौकरी का और करियर का कोई संकट नहीं रहेगा, वह अपना करियर
आसानी में जो साइड की पोस्टिंग है, अलग साइड साइड जॉब्स हैं, वो आराम से कर सकता है, एसएससी क्लियर कर सकता है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला। उसके लिए लेखपाल कानून को पटवारी, ये सारी चीजें, कहीं किसी डिपार्टमेंट में स्टेनो की जॉब, ये उसके लिए बड़ी आसान चीजें हैं, वो आराम से कर लेगा। देशराज गुर्जर भाई कह रहे हैं कि सहमत हूं भाई साहब, आपसे खुलता रहित समाज सामाजिक एकीकरण की बात की है, पहली बार इस प्रकार के सामाजिक एकीकरण की बात, हमें निश्चित रूप से सामाजिक एकीकरण की बेहद जरूरत है, समाज की ओर हमें बढ़ना होगा। मैंने 4 साल पहले कही थी जिस बात को नरेश टिकैत ने कहा है, गुजारा गुर्जर जाट राजपूत, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को आगे आना होगा, हमें आपस में रिश्तों की बात, ये सामाजिक एकीकरण कैसे होगा, सामाजिक एकीकरण खाली राजनीतिक मंचों से राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बात करके नहीं होगा, हमें आपस में खुले दिल से, हम गुर्जर समाज वो समाज है जिसमें जितने भी आक्रांता आए, हूण कुषाण जितने भी लोग आए, हमने सबको अडॉप्ट कर लिया। आज हूण कहाँ मिलता है, हूण हमारा गोत्र है, कुषाण कहाँ है, कसाना हमारा गोत्र है। तो हमारा जो सामाजिक पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, उसको हमें मजबूत करना है। गुर्जर जाट राजपूत कुर्मी लोध पटेल, इन सभी लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सामाजिक एकीकरण की तरफ हमें चलना है, और हमारे युवाओं का ये उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित रूप से इस चीज को प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है। अगले 10 साल क्या हम सरदार पटेल दशक मना सकते हैं? मैं ये सुझाव मांगना चाहता हूँ, हो सकता है भाई मैं जोश में या किसी बात में वैसे कह देता हूँ, लेकिन आप सभी लोगों को है, क्या सन 2017 से 2027 को गुर्जर समाज पटेल लोध कुर्मी के साथ मिलकर पटेल दशक के रूप में मना सकता है? इस पटेल दशक में हमारा उद्देश्य क्या हो? हमारा अधिक से अधिक उद्देश्य अपने समाज के बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में भेजना हो, हम उनको तैयारी करवाएं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएं, जिस ब्यूरोक्रेसी की नींव मेरे सरदार ने रखी थी, मेरे उस महान पूर्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी, क्या मैं मुझे उसका अंग नहीं होना चाहिए? मुझे उसका अंग बनना है, मेरे समाज के अधिक से अधिक बच्चे उसमें आए। क्यों हम खाली राजनीति की बात कर रहे हैं? सरदार गुर्जर पटेल, सरदार पटेल को लोग गुर्जर भी कहते हैं, हम गुर्जर मानते हैं, निश्चित रूप से गर्वीले गुर्जर, और उसमें जो कई सारे सामाजिक विचारक हुए हैं उन्होंने कहा भी है कि वो पंजाब के गुर्जर थे। खैर ये विवाद का विषय नहीं है, वो पटेल भी थे, वो कुर्मी भी थे, वो गुर्जर भी थे, वो लोध भी थे, ये यही तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि वो हम सबके थे। सबके थे, जब हम सबके थे तो हम सब एक क्यों नहीं है? सरदार पटेल हम सबके थे, फिर हम एक क्यों नहीं है? इस दशक में, इस सरदार पटेल दशक में हमारे दो उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य, जिस ब्यूरोक्रेसी की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थापना की, उसमें मेरे समाज के अधिक से अधिक संख्या में बच्चे शामिल हों। दूसरा, इन 10 वर्षों में उनके अधूरे काम को राजनीतिक एकीकरण सरदार पटेल ने किया, कश्मीर की समस्या छूटी, आज भी झेल रहे हैं उनसे, उसको 1948 में लेकर जो है गोपाल स्वामी अयंगर को उस कश्मीर का मामला सौंप दिया गया था, उस मामले को आज भी हम झेल रहे हैं। तो सरदार पटेल जी का जो सामाजिक एकीकरण का कार्य छूटा था, इस सरदार पटेल दशक में उसको भी हमें करना है। तो दो लक्ष्य लेकर हमारे समाज को चलना होगा, ये सरदार पटेल दशक का मैं आह्वान करता हूं, अपने पूरे अखिल भारतीय समाज से करता हूं, लोध गुर्जर कुर्मी पटेल इन सब से मैं आह्वान करता हूं कि सामाजिक एकीकरण के लिए कमर कस लें, सामाजिक एकीकरण के लिए तैयार हों, आपस में अपने बच्चों की शादियां करें, विवाह करें, आना जाना करें, मित्रता करें, और अपने बच्चों को अधिक से अधिक जो है उस नींव का पत्थर बनाएं, जो नींव का पत्थर मेरे देश को चलाने के लिए सरदार पटेल ने बनाई थी, ब्यूरोक्रेसी, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, जिसको उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बनाया। ये दो मैं बातें करना चाहूंगा मेरे समाज से। सौरव गुर्जर कह रहे हैं कि गुर्जर जाति छूट के आगे चला गया, और बिल्कुल इन्होंने कुछ लिखा है, गुर्जर जाति सिर्फ 5 साल में कर सकता है सर, अच्छी बात है, यही हमें करना है निश्चित रूप से। गुर्जर कल्चर, जब तक किसानों के बच्चे उन पोस्ट पर नहीं जाएंगे जहां से देश की नियति बनती है, तब तक समाज का विकास नहीं होगा, निश्चित रूप से बिल्कुल मेरा यही मत है। हमें केवल ब्यूरोक्रेसी पर फोकस करना चाहिए, ये मेरा मामला है, मानना है, और जाति को हथियार बनाकर, जाति को ढाल बनाकर
जो लोग राजनीति करना चाहते हैं मैं उनको कहता हूं पॉलिटिकल रास्कल्स। मेरी निंदा बहुत करते हैं लोग इस मामले पर, थोड़ा कठोर हूं। पॉलिटिकल रास्कल्स हैं नो डाउट, जब वो जाति की बड़ी बड़ी बातें करते तो फिर क्यों नहीं एक दूसरे के सामने बैठे। सहारनपुर में इस समय मेयर का चुनाव हो रहा है और शशि वालिया के सामने संजीव वालिया लड़ रहे हैं। चलिए मैं दूसरे समाज से उदाहरण लेता हूं, शशि वालिया के सामने संजीव वालिया लड़ रहे हैं, जाति कहां चली गई। नकुड़ में शिव शिव कुमार गुप्ता के सामने एक आरती गुप्ता या कोई गुप्ता महिला लड़ रही है। आप चारों तरफ उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहां नजर उठाकर देखिए, एक ही जाति का प्रत्याशी दूसरी जाति के सामने लड़ रहा है। सहारनपुर में कई मुस्लिम सामने लड़ रहे हैं, फजलुर रहमान है और अन्य कोई है उनके सामने लड़ रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम के सामने लड़ रहा है, जाट जाट के सामने लड़ रहा है, गुजर गुजर के सामने कहीं लड़ रहे होंगे। यहाँ सहारनपुर में कोई उनको नहीं मिला है टिकट। तो ये जाति की बातें राजनीति में करना पॉलिटिकल रास्कलिज्म से ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है। हमें सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की बात करनी है। और मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोगों को सामाजिक एकीकरण पर ध्यान देना है और इस 2017 से 2027 के दशक को, ये मेरा प्रस्ताव है, ये कोई मेरा निवेदन है, प्रस्ताव है कि हम इसको पटेल दशक के रूप में, सरदार पटेल दशक के रूप में मनाएं। सामाजिक एकीकरण और ब्यूरोक्रेसी में अपने बच्चों को भेजने को एक महाअभियान के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सिविल सर्विसेज के हम गुजर हॉस्टल बना रहे हैं जगह जगह, मुझे नहीं लगता कि गुजर हॉस्टल बनाना बहुत ज्यादा लाभदायक रहा है। अनेक जगह हमारे गुजर हॉस्टल बने हैं लेकिन रिजल्ट क्या है, मैं उसका उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें जितनी हम पूंजी लगाते हैं उतनी पूंजी में तो हम समाज को कई सारे आईएस दे सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, 5,000 रुपये में, 5-700 रुपये में वो जगह मिल जाती है, कहीं भी कर सकते हैं। सत्यवीर सिंह आप मोबाइल नंबर दो, मैं आपको दूंगा, मेरा गुर्जर कल्चर के पास मेरा मोबाइल नंबर है। जो भी मेरे मित्र मुझसे वार्ता करना चाहते हैं, वो भाई रविंद्र तंवर इंजीनियर जो गुर्जर कल्चर के गुर्जर गुर्जर कल्चर पेज के एडमिन हैं, उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 8279857070। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे समाज को अच्छे प्रवक्ताओं की जरूरत है। गुर्जर कल्चर सभी भाई वीडियो को शेयर करते रहें, धन्यवाद। गुर्जर अभी खटा ना करें, एब्सोल्युटली आई लाइक दिस पोस्ट, सैल्यूट सर, थैंक यू। अभी मेरा एक और एकमात्र चिंतन ये है, मेरा चिंतन ये नहीं है कि मेरे समाज से कितने एमपी बनते हैं, कितने एमएलए बनते हैं, कोई मंत्री बनता है या नहीं बनता है, किसी को मेरी बात गलत लग सकती है, वो मुझे इसके लिए नाराजगी जाहिर कर सकता है फोन पर। कितने एमपी, कितने एमएलए, कितने मंत्री मेरे समाज से बने, ये मेरे चिंतन का विषय नहीं है। मैं बड़ी स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, मेरे चिंतन का विषय यह है कि मेरे समाज के बच्चे कितने संस्कारित हो रहे हैं, कितने संस्कार उनके अंदर आ रहे हैं, असामाजिक गतिविधियों से वो कितना दूर जाना चाह रहे हैं, कितने राष्ट्रवादी हैं। हम राष्ट्रवादी कौम हैं, इस पर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, यहां समय भी नहीं है उतना। कितने मेरे समाज के बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, अच्छी पोस्ट पाते हैं, ये मेरे चिंतन का विषय है। और हम कितना अच्छा सामाजिक एकीकरण करके अपनी सामाजिक शक्ति को कितना बढ़ा सकते हैं, ये मेरे चिंतन का विषय है। राजनीतिक विषयों पर मैं ना तो बहस कर सकता, ये मुझे मेरी सामाजिक सेवक आचरण नियमावली इसकी मुझे अनुमति भी नहीं देती है। मैं सामाजिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शैक्षणिक मुद्दों पर अभिव्यक्त कर सकता हूँ अपनी बातें, राजनीतिक उस पर नहीं मुझे करनी है।
क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें 2017 से 2027 के वर्ष को, इस दशक को गुर्जर दशक, सरदार पटेल दशक, पटेल दशक के रूप में मनाना है? इसमें दो विषय, दो एजेंडे हमको रखने हैं। ब्यूरोक्रेसी में हमारे कितने बच्चे आते हैं और सामाजिक एकीकरण, ये मेरा आह्वान है आप सभी से। बीच में जब जब मुझे आदेश होगा, तब तक जब जब मुझे मेरे छोटे भाई आग्रह करेंगे और बड़े भाई जब भी मुझे आदेशित करेंगे, तो मैं गुर्जर कल्चर और इस जैसे अगर अन्य भी हमारे पेजेस हैं तो उन पर मैं आने का प्रयास करूंगा, समय निकालूंगा। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका, अपने समाज का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से अनुमति चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि हमारे समाज से सोशल मीडिया पर अच्छे प्रवक्ता निकल कर सामने आएंगे। जब सोशल मीडिया है तो हमें सोशल जर्नलिस्ट भी चाहिए, नो डाउट, सोशल रिपोर्टर्स भी चाहिए। तो अच्छे सोशल जर्नलिस्ट बनिए, अच्छे सोशल रिपोर्टर्स बनिए, सोशल मीडिया पर समाज की बातों को सकारात्मक रूप से रखिए। कोशिश करें कि नकारात्मक चीजें सोशल मीडिया पर ना आए, उनको दूर रखें, समाज की छवि खराब ना हो। समाज में जो हमारे विवाद हैं, सामाजिक विवाद होंगे, हर गांव में विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, हम उस पर सहमति से निस्तारण करने की प्रवृत्ति डालें, कोर्ट कचहरी से बचें, आपस में, गांव में, आसपास के क्षेत्र में सामाजिक स्वीकार्यता को हम बढ़ावा दें, यही सबसे अच्छा संदेश होगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि अच्छे सामाजिक प्रवक्ता निकल कर सामने आए, जो सोशल मीडिया पर समाज का पक्ष रखें, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से रखें, अच्छे सोशल जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया रिपोर्टर्स सामने निकल कर आए। और मैं गुर्जर कल्चर से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि वो सबसे आह्वान करे सरदार पटेल दशक मनाने का। गुर्जर कल्चर ने लिख भी दिया है, हाँ बिल्कुल सहमत हैं सर, हम सरदार पटेल दशक जरूर मनाएंगे, धन्यवाद। और मैं अब आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।